हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युवांशी फैशन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्लाउज की बैक साइड की डिजाइन, वो भी बहुत यूनिक डिजाइन बनाने जा रही हूँ मैं। तो उस डिजाइन के लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है और ये मैंने इसका अस्तर लिया है। हम सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई ली है 16 इंच, क्योंकि मुझे अब 15 इंच तैयार चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 16 इंच इसकी लंबाई ली है। और वैसे भी डिजाइनर ब्लाउज लंबे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 16 इंच ली है। और मैंने यहाँ पर 7 इंच इसके शोल्डर ली है। वैसे तो नॉर्मली ब्लाउज में 5.5 इंच लेते हैं, पर ये डिजाइनर है इसलिए मैंने इसकी 7 इंच ली है। और 7 इंच ही इसका मैंने आर्म होल लिया है। यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई ली है 13 इंच, क्योंकि मुझे यहाँ पर 11.5 इंच तैयार चाहिए और मैंने इसमें 1.5 का मार्जिन दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी चौड़ाई ली है 13 इंच। और यहाँ पर मैंने इसकी कमर की, जो भी हमारी कमर है उसका 1/4 भाग लेना है। मेरी यहाँ पर इसकी कमर है 32, तो मुझे कमर 32 है इसकी, तो मैंने इसका 1/4 भाग लिया है। 8 इंच में 2 मार्जिन जोड़ती हूँ, मैंने यहाँ पर 10 इंच ली है इसकी कमर। और अब हम इसमें इसको इससे मिला देंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। गोलाई देने के लिए मैंने यहाँ 1.5 इंच पर एक मार्क लगाया है और हम ये इसको गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी बैक साइड की डिजाइन की कटिंग करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी बैक साइड नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3.5 इंच ली है और इसकी लंबाई भी मैंने यहाँ पर 3.5 इंच ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 3.5 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। अब हम इसको गोलाई में कर देंगे, ये देखिए। और अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच का यहाँ पे छोड़ना है, 1.5 इंच पे एक मार्क लगाना है। और नीचे कमर की पट्टी के लिए हमें यहाँ पर 3 इंचेस छोड़नी है, यहाँ पे 3 इंचेस यहाँ पर छोड़नी है। अब हमारा ये यहाँ से बीच की लंबाई आएगी हमारी 8 इंच, 8 इंच हमारी लंबाई है, तो हमारा ये डबल फोल्ड है, इसलिए हमें यहाँ पर 4 इंच इसका लेना है। 4 इंच पर यहाँ पर हमें मार्क लगाना है, ये 4 इंच पे हमें एक लाइन खींचनी है इधर और एक इधर। और अब हमें इसको मिला लेना है। ये हमारी डबल है। अब हम इसको कटिंग करने के बाद जो हम सीधा करेंगे तो ये पूरा चौकोर शेप में आ जाएगा। हमने 8 इंच इसकी लंबाई की है, 4-4 करके दो लिया है, तो ये भी पूरा 8 हो जाएगा और ये हमारा एक पूरा स्क्वायर में बन जाएगा। सबसे पहले हमें ये इधर के हिस्से की हमें कटिंग करनी है। अब हमें ये बीच के हिस्से की कटिंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा एक स्क्वायर बन गया है, पूरा चौकोर आया है ये हमारी कटिंग। ये हमारी कटिंग पूरी चौकोर आनी चाहिए थी और ये हमारी पूरी चौकोर ही आई है। अब हम ऐसे ही इसकी कटिंग अब हम हमारे फैब्रिक के ऊपर करेंगे। ये जो हमारा फैब्रिक है, हम अब इसके ऊपर ये कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको रख लेंगे हमारे अस्तर को और फिर हम इस फैब्रिक पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ये इसकी हमने कटिंग कर ली, हमारे फैब्रिक की कटिंग हो गई है ये। अब हम हमारे अस्तर के और फैब्रिक को दोनों को हम रख के इनको अटैच करेंगे। ये देखिए हमें सीधे तरफ को तो बीच में रखना है यहाँ पर, और उल्टे को नीचे रखना है, और इस तरह से हमें ये फैब्रिक को रख के और इस पर पूरी में सिलाई लगानी है। ये हमें इस तरह से इनको अटैच यहाँ पर जोड़ते हुए, और हमें यहाँ से पूरे यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरे इस ब्लाउज में सिलाई लगानी है, और इस हिस्से को हमें छोड़ देना है। इस हिस्से को हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बाकी के हम सारे हिस्से में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा ली, यहाँ से यहाँ पर पूरे हमने सिलाई लगा ली, और इस हिस्से को हमने खुला छोड़ दिया। अब हम फोल्ड करके इस हिस्से में से इस सीधे को निकाल लेंगे, इस हिस्से को निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको सीधा कर लिया है, हमने चारों तरफ से इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर इसमें चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा ली है, और हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है, और इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे डबल फोल्ड, इसको इस तरह से उलट लेंगे। ये देखिए ये हमें इस तरह से पलट लेना है, और फिर उसके बाद हमें अब इसकी कटिंग हम हमारी इस नेक की कटिंग हम कैनवास के ऊपर करेंगे। ये हमने कैनवास लिया है, हम इसके ऊपर हमारी नेक की कटिंग करेंगे। देखिए हमें इस तरह इसको रखना है, और अब हम इस पर ये इस तरह से यहाँ पर नेक को इस तरह से यहाँ पर मार्क कर देंगे इससे। ये हमें इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेने हैं, और इससे भी निशान लगा लेना है। ये देखिए अब इससे हम इससे आगे की तरफ हम एक इंच का जितना एक्स्ट्रा लेते हुए हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कि फ्रेंड्स हमने हमारी इसकी कैनवास की कटिंग कर ली, कैनवास पे इस पट्टी की कटिंग कर ली है, इस चौकोर गले की भी कर ली है और गोल गले की भी करी है। अब इन्हीं की हम कटिंग अस्तर के कपड़े पर भी करेंगे हम। ये देखिए हमने जैसे अस्तर की इस पर भी कटिंग कर ली है। ये देखिए ये हमने अस्तर का जो कपड़ा था उस पर भी हमने ये कटिंग कर ली है। इसमें हमने एक इंच लिया था चौड़ाई में, हमें इसमें 1.5 इंच लेनी है, क्योंकि हमें इसको उलटना है कैनवास के ऊपर। देखिए ये हम अब इसके ऊपर हम ये कैनवास रखेंगे, ये हमने कैनवास रखा है, और अब हम पीछे से इसको इस तरह से उलट लेंगे चारों तरफ से। इधर से भी हमें ऐसे उलटना है, इधर से भी उलटना है, इधर से भी और इधर से भी, इसलिए हमने ये 1.5 इंच ली है, और आगे से सेम ये लगेगी यहाँ पर सिलाई। ऐसे ही हमें ये गोल गले की भी इसी तरह से हमें करनी है, गोल गला रखते हुए हम ये यहाँ पर सिलाई लगानी है। हमें इस तरह से इस पर सिलाई लगानी है, हमने इस पर भी लगा ली है और इसके ऊपर भी लगा ली है ये सिलाई। अब हमें यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए, यहाँ पर फोल्ड करते हुए हमको सिलाई लगानी है, ऐसे इसके ऊपर भी एक सिलाई लगानी है हमको। हमने हमारे इसके ऊपर भी इधर से फोल्ड कर लिया है, और इसमें इस इधर से भी फोल्ड कर लिया। अब हमारे इसको हम
ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसको इस तरह से रख के और यहाँ पर सिलाई लगानी है इसमें भी, और यहाँ पर हमें इसमें भी यहाँ पर सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ ऊपर ये अटैच कर ली है, अब हमें इसी तरह यहाँ पर नीचे इसको भी यहाँ पे अटैच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पर ये सिलाई लगा ली है यहाँ पर। अब हमें सबसे पहले ये कॉर्नर्स हमें ये कट करने, यहाँ से इसको भी कट करने, यहाँ से इधर से इसको कट करना है और इधर से इसको कट करना है और इधर से इसको भी कट करना है। ये चारों कॉर्नर्स हमने कट कर लिए हैं। अब हमें सबसे पहले इसको यहाँ पर ये फोल्ड करेंगे पूरा अच्छे से। देखिए इस तरीके से हमको फोल्ड करना है, इस वाले हिस्से को हमें फोल्ड करके पहले यहाँ पर सिलाई लगानी है और फिर उसके बाद में हमें इनको भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरीके से ये हमारे फोल्ड होते जाएंगे, चारों तरफ से हमें ये फोल्ड करना है। ये हमने सिलाई लगा ली है, अब इसी तरह हमें इस नीचे वाले हिस्से में भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे यहाँ पर इसमें इसको उलट के और यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा ली है, इधर भी सिलाई लगा ली, इधर भी सिलाई लगा ली। अब हम इसमें डिजाइनर लुक देने के लिए मैंने ये एक ये लेस ली है, हम इसको यहाँ से यहाँ पर और इसमें पूरे चारों तरफ इसको अटैच करेंगे इस लेस को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ पर लेस लगा ली है, ये के फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये लेस लगा ली है, अटैच कर ली है इसको। अब हमने ये वाली लेस ली है जो हम यहाँ से लेके और पूरे इस यहाँ पर ये गोलाई में इस लेस को हम लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारी यहाँ पर ये लेस लगा ली है, ये लेस भी लगा ली है। ये देखिए डिजाइन ये भी है, डिजाइनर ब्लाउज की एक डिजाइन ये भी है, लेकिन मैं इसमें और भी डिजाइन डालूंगी, इसके लिए मैंने ये एक लेस ली है और मैं इस लेस को यहाँ से यहाँ पर और फिर यहाँ से यहाँ पर और इस तरीके से ये डिजाइन दूंगी, ये वाली ये डिजाइन में इसमें एक और दूंगी और इसको आगे और भी अच्छा डिजाइनर लुक दूंगी। और आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी लग सकते हो और जो मैं आगे डिजाइन बना रही हूँ आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ पर चौकोर डिजाइन में ये लेस लगा दी है। पहले हमें कच्ची सिलाई करनी है, उसके बाद में हमें इसमें मशीन से पक्की सिलाई करनी है और हमने ये इस पे सिलाई कर दी है। अब हम हमारे जो फैब्रिक का ये जो कपड़ा है हम ये लेंगे इसमें और फिर हम इसकी गोलाई के अंदर इसको कट करेंगे। हमें ये डबल लेना है कपड़ा और इसको बहुत गोलाई के अंदर हमें कट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको गोल सर्किल में इसको काट लिया है। अब हमें यहाँ पर किनारों पर इसके सिलाई लगानी है हमको, और ये थोड़ा सा हिस्सा हमें छोड़ देना है ताकि हम इसको फोल्ड करके सीधा कर सके। इसे हमें थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के और बाकी की जगह में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको उलटकर और यहाँ पर एक सिलाई भी लगा ली है। अब हमें इसको बीच में ऐसे करके और बीच में इसके सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पर, ये हमने इसमें बीच में सिलाई लगा ली है। अब हम इसको उलटकर इस तरह से यहाँ ऐसे कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये हमें इस तरह से इसको कर लेना है। इसी तरह हमें दो इसके बनाने हैं और एक गोल्डन कपड़े का, इसी तरह हमें ये फ्लावर बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फ्लावर बना लिए हैं, इस पर ये मोती लगा लिए हैं और इस पर ये लेस लगा दी है। और ये मेरे पास कुछ मटेरियल था घर पर जो मैंने इसको यूज में लिया है, और ये मैंने एक मोती लिया है इसमें लगा दी है। और मैंने देखो ये पूरा इसको हमारी लटकन को डेकोरेटिंग कर दिया है पूरे, ये देखो ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अब हम हमारे इस लटकन को हमारे ब्लाउज के अंदर लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज है। अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, इसको हमें ये हाथ वाली सुई लेनी है और इसको हमें यहाँ पर लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें ये लटकन लगा ली है। ये देखो ये हमारा पूरा बैग डिजाइन तैयार है। ये देखिए, ये अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी बैग डिजाइन अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।